नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुषमा। कुक विश्वशा में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी भिंडी। ये बनाने बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है। अगर आपके पास मेहमान आ जाएं और भिंडी हो तो आप इस तरह से भी भिंडी की भजिया बना के खा सकते हैं। इसे आप पूरी, पराठे, रोटी किसी में भी खा सकते हैं और ये बनाने में बहुत आसान है और झट से बन जाती है। चलिए हम इसकी बनाना करते हैं शुरू। क्रिस्पी भिंडी बनाने के लिए मैंने थोड़ी भिंडी ली है, इसको मैंने इस साइज में काटा है। इसीलिए मैंने सबसे पहले हम इस पर डालेंगे नमक। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हम, जिससे कि नमक भिंडी में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। फिर लेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और ये थोड़ा सा लेंगे हम जीरा पाउडर, उसे भी हम मिक्स कर लेंगे। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस भिंडी में, जिसे अच्छी तरह से भिंडी में कोट हो जाए। ये लेंगे हम थोड़ा जिंजर पाउडर, इसे भी थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें। ये थोड़ा लेंगे हम अनियन पाउडर, इसे भी हम थोड़ा इसमें डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट अच्छा लगेगा क्रिस्पी भिंडी का। और ये मैं ले रही हूँ जिंजर पाउडर, ये थोड़ा मेरा ऐसा हो गया है, सूखा नहीं है। मिक्स कर लेंगे। अब आखिरी में इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा बेसन, 2 चम्मच, इसे अच्छी बाइंडिंग देने के लिए, जिससे अच्छी क्रिस्पी भिंडी बने। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इस भिंडी में। देखिए अच्छी तरह से कोट हो गया है, मिल गया है, मिक्स हो गया है। बेसन भी, भिंडी में नमक इसलिए हमने डाला जिससे ये पानी छोड़ देती है और ये हमारा मसाला इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाए, तब इसमें अच्छी तरह से लग जाए भिंडी में। ये हमें बन के तैयार हो गया है इसकी फिलिंग। अब हम इसे तलेंगे। चलिए तलते हैं हम इसे। जैसे मैंने इसमें अनियन पाउडर और अजवाइन पाउडर, अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर डाला, इसकी जगह आप खड़ा भी डाल सकते हैं, खड़ा डाल के भी इसे अच्छा तल सकते हैं। मैंने जैसे पाउडर डाला है, उसकी जगह आप खड़ा, लहसुन, अदरक, प्याज डाल सकते हैं, उसके बाद बना सकते हैं इसे। ठीक है, मैंने तेल चढ़ा दिया था, ये थोड़ा गर्म हो गया है, थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है, इसे मैंने लो फ्लेम कर दी है। अब इस पर हम डालेंगे अपनी भिंडी। जो हमने ऐसे अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। प्याज को थोड़ा लो फ्लेम पे कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा हो गई है, और थोड़ी आँच पे ही इसे अच्छी से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम और भी अपनी भिंडियों को तल लेंगे। अलग अलग ही डालना है, साथ में नहीं डालना है, नहीं तो ये चिपक जाएंगे।
इसे भी हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक निकालेंगे। ये बन के तैयार हो गई हमारी क्रिस्पी भिंडी, इसे आप भिंडी की भजिया भी कह सकते हैं, इसे आप पूरी पराठे रोटी किसी में भी खा सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये हमारी भिंडी क्रिस्पी भिंडी बन के तैयार हो गई है, इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। बन के तैयार हो गई, अगर आपको कुछ और अलग खाना हो तो आप इसे नाश्ते के तौर पे भी खा सकते हैं और बना के मेहमानों को सर्व भी कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी होती है खाने में। जैसे आप प्याज की भजिया बनाते हैं इस तरह आप भिंडी की भजिया बना के भी सर्व कर सकते हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी है, क्रिस्पी है। देखिए इतने अच्छा आसानी से टूट रही है। देखिए ये हमारी बेसन की मतलब भिंडी की भजिया बनके तैयार हो गई है, सर्व यू, आप भी ले सकते हैं इसे। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बाय बाय।